जैन साहब जरा अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। सेन सेन मिस्टर सेन तो कहने का आशय ये है कि ये एक सकारात्मक वातावरण आपके जिले में होगा और ऐसा ये केवल एक ही जिला नहीं कर रहा है, अन्य जिले भी कर रहे हैं। परंतु जो आपने किया है वो प्रदेश स्तर तक आए और आपके जिले के जो इनोवेशन है जो आपके शिक्षक साथी कर रहे हैं, जैसे नरसिंहपुर में आप देखेंगे तुमड़ा में एक शिक्षक काम कर रहा है, सिवनी में देखेंगे तो उसमें पूरा एक जो ब्लॉक है उसमें कई सारे शिक्षक काम कर रहे हैं, जबलपुर में देखेंगे जबलपुर ग्रामीण में कई सारे शिक्षक काम कर रहे हैं, धार में यदि आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कागदीपुरा और दूसरे विद्यालय कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे शिक्षक हैं जो कि लगातार सतत रूप से इस तरीके की टीएलएम बना रहे हैं। उन टीएलएम से जिले के लोग परिचित हों, ब्लॉक के लोग परिचित हों और उसके बाद राज्य के लोग परिचित हों। इनमें जो इनोवेटिव टीएलएम बनी हुई है, टीएलएम के पीछे कई सारे सैद्धांतिक अवयव भी होते हैं कि आप किस सामग्री को यूज कर रहे हैं, उस सामग्री को जो यूज कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट क्या है, वो सामग्री बच्चों को क्षति तो नहीं पहुंचाएगी, उस सामग्री को बनाने से उस विषय की स्पष्टता में कितना वो उपयोगी होगा, वो विषय की प्रकृति के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चों को जो उस विषय को समझने में कठिनाई आ रही है वो कठिनाई कैसे दूर हो पाएगी, क्या जो सामग्री आपने बनाई है वो रोचकता बच्चों में पैदा कर पा रही है, क्या बच्चों को कुछ नई अवधारणाओं से परिचित करा पा रही है। ऐसे कई सारे आयाम हैं जबकि हम शिक्षण सामग्री पर काम करते हैं और जब इस शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन हमारी डाइट करें तब डाइट को उसमें कई पैरामीटर देखने चाहिए, क्योंकि कबाड़ से जुगाड़ तो आपने सुना है पर जुगाड़ की प्रभावशीलता यदि आप देखेंगे तो कभी कभी छोटा सा जुगाड़ बहुत सारी ऊर्जा को और बहुत सारी समय की बचत कर सकता है। कई सारे ऐसे स्थानीय शब्द होते हैं, जब हम कक्षा में शिक्षण कर रहे होते हैं तो वहां के जो लोकल वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वहां की जो लोकल विशेषताएं होती है वो भी उसको प्रभावित करती है। संतोष दास जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले। ये सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने माइक कर म्यूट करें, ये बार बार यहाँ से कहना अच्छी बात नहीं है, एक डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए। अब जब आप इस पे काम करेंगे तो निर्धारित है कि आपको विद्यालय स्तर पे काम करना है, पहले विद्यालय स्तर से आपको ब्लॉक लेवल पे जाना है, जन शिक्षा केंद्र स्तर पे जाना है, जन शिक्षा केंद्र स्तर से चयनित टीएलएम जो है ब्लॉक पर जाएंगे, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट से प्रदेश पर आएंगे। और कोशिश ये करिएगा ऐसा ना हो कि वो 20 साल पुराना टीएलएम जो आपने लिया है वही आप हर बार रखते चले जा रहे। यदि शिक्षक ने अपना कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर के आया है तो हमें उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ब्लॉक को, क्लस्टर को और जिले को ऐसे शिक्षकों के नाम अपने पास नोट रख करके रखना चाहिए जो कि बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब नेस की तैयारी चल रही थी तो मैं अपने प्रभार के जिले में विजिट कर रहा था और उस जिले का एक सबसे लो परफॉर्मिंग ब्लॉक था, ब्लॉक में जब मैं विजिट कर रहा था तो सबसे जब जिस विद्यालय में मैं गया वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, परंतु वहां के बीआरसी ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि एक अच्छे कुछ अच्छे शिक्षकों को चयनित करके उन विद्यालयों में बच्चों के साथ काम करने के लिए लगाया। और एक शिक्षक गणित के ऊपर जो काम कर रहा था वो जिस तरीके से त्रिभुज की परिभाषा समझा रहा था, शायद मैं चूंकि मैथ्स का नहीं हूँ तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि शायद ऐसा शिक्षक यदि मेरे जीवन काल में होता तो मैं बेहतर तरीके से शायद गणित को उस समय समझ पाता। कहने का आशय यह है कि उसने छोटा सा टीएलएम यूज किया और उससे समझाया। ठीक वैसे ही रतलाम जिले में जब मेरा एक विजिट मैंने किया था
तब जो कौन सी पाइथागोरस प्रमेय होती है क्लास 7th में है, उसके ऊपर वहां के एक टीचर ने एक सिंपल टीएलएम बनाया और थर्मोकोल से बना करके उसने समझाया कि किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को समझा जा सके, जबकि हमारे बच्चे उसको रटते हैं। उसने प्रायोगिक के रूप से उससे बताया कि बच्चों की समझ उसमें बन जाए। तो साथियों, एक बहुत अभिनव मौका आपके पास है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को, शिक्षकों की क्रिएटिविटी को आप सुनिश्चित करें। जिला संभाग से सिटीज और डाइट ये सुनिश्चित करें कि चयन समिति प्रॉपर वे में बने, चयन समिति में ऐसे लोगों को स्थान दिया जाए जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो जिला स्तर पर हो, कोई किसी ग्रामीण क्षेत्र में भी काम कर रहा है और उसके विषय की समझ क्यों कराएगी ना जाएंगे उस विषय की समझ वाले व्यक्ति को आप चयन समिति में रखिएगा, स्पष्ट पैरामीटर रखिएगा, क्योंकि उसमें हमने जो निर्देश दिए हैं उसमें आपको लिखा है कि टीएलएम सामग्री चयन के आधार में उसमें हमें देखना होगी कि उसकी सुलभता कैसी है, वो आसानी से उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं सामग्री। ऐसा ना हो कि हम कोई नई तरीके की सामग्री ले आए, महंगी ले आए बाजार से और उसको टीएलएम में यूज करें। दूसरा है कि उसमें जो आपने अवधारणा, जिस अवधारणा के लिए टीएलएम बनाया है, उसकी अवधारणा को कितना वो क्लियर कर पा रही, कितनी समझ बना पा रही है वो टीएलएम, क्योंकि टीएलएम का एक ही यूज है कि जो कठिन अवधारणाएं होती हैं उनको वो सरलता से समझा पाती है, इसीलिए सहायक शैक्षिक सामग्री कहते हैं। और इसलिए ये ध्यान इसमें रखना जरूरी है कि अवधारणा की समझ बनाने का देखा। समय नजदीक है। इसके अलावा उसमें सृजनात्मकता है या नहीं, कोई कुछ क्रिएटिविटी की है कि नहीं, टीचर ने कुछ अपना दिमाग उसमें लगाया है या नहीं। कई बार आप देखेंगे कुछ शिक्षक बहुत सरल तरीके से भी काम करते हैं परंतु उनके पीछे एक गहरी समझ उनकी होती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म, उसमें जो टीएलएम है उसके साथ बच्चा जब काम करेगा तब वो अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ नए समझ विकसित कर पा रहा है उस अवधारणा पे या नहीं, ये देखना होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव जन्य सीखने के अवसर कितने दे रही है। और इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए इस तरह की टीएलएम हो जो कि उसकी समझ को विकसित कर सके और उसको अनुभव दे सके, क्योंकि यदि आप देखेंगे शिक्षा हमें अनुभव देती है जिससे हम जीवन की समस्याओं के समाधान के करीब पहुंच सके। और यदि उसमें कोई तकनीकी यूज की है तो क्या तकनीकी यूज की है, क्या टेक्निक है, क्या इंजीनियरिंग उसमें यूज की है। कुछ टीचर बहुत इनोवेटिव तरीके से काम करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी ज्ञान भी वो लगाते हैं, तो उसमें तकनीकी क्या है, इन चीजों को हमें कुछ मापदंडों पे उस टीएलएम को परखना चाहिए तब उसका चयन का आधार होना चाहिए। आप किसमें कितना प्रतिशत आप किसको देंगे ये उस टीएलएम की प्रभाव उत्पादकता के ऊपर देखिएगा कि वो कितनी जटिल अवधारणा को कितने सरल तरीके से समझा पाए, मुख्य आधार ये होना चाहिए। बाकी हम इसके साथ इसको देखेंगे और चूंकि आज हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी आपके साथ हैं और चूंकि खान साहब ने आपके लिए संभागवार कुछ एनजीओ एजेंसीज को भी चिन्हित किया जो आपके साथ सपोर्ट करेंगी और चयन समिति के लिए सुझावात्मक समितियां भी उस पत्र में दी हैं जिनका कि सार्थक उपयोग किया जाए, बेहतर समन्वय किया जाए और एक अच्छी कंसेप्ट को लेकर के आए। साथ ही मेरा ये भी कहना है कि पिछले उसमें यदि कोई इनोवेटिव तरीका यदि आया है किसी भी जिले में दिखता है
तो उस जिले को आप ये भी सजेस्ट करें कि उस बेस्ट प्रैक्टिस को वो डॉक्यूमेंटेड करें, उसको डिजिटाइज करें और अपने एनुअल वर्क प्लान के साथ भी लगा करके उपलब्ध कराएं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने पूरा लिस्ट आपको समेकन रूप से बता दिया है। अब मैं समय ना नष्ट करते हुए से अनुरोध करूंगा कि वो सभी विषय के विशेषज्ञ हमारे और संपूर्ण प्रदेश में इससे संबंधित गतिविधियों का संचालन होता है। मैं अनुरोध करूंगा लोकेश खरे जी से कि वो आए और हमारे साथियों को मार्गदर्शन प्रदान करें। लोकेश खरे जी साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत बेहतर तरीके से आदरणीय पारिक सर ने आप सभी लोगों को बता दिया है। कोशिश हम लोगों की ये होगी कि आप अपने मन से कुछ PLM बनाएं, कुछ सामग्री तैयार करें जो आपके मस्तिष्क में PLM के बारे में हम सब BEd DEd में खूब पढ़े हुए हैं और ये जानते हैं कि PLM शिक्षक के दिमाग में होता है। ये कुछ मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा और ये जो लिखा हुआ है उसके साथ मैंने कुछ पिक्चर TLM के लगा रखे हैं जो हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत से बनाए हुए हैं। ये जो TLM जिसको हम कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री जिसको हम कहते हैं वो बच्चों को सीखने में मदद करे और उसको आसानी से किसी विषय वस्तु को समझाया जा सके उसे हम TLM कहते हैं। क्योंकि हमारे सभी शिक्षक साथी TLM में बहुत बेहतर तरीके से DEd BEd में अध्ययन अध्यापन करते हैं, हम पुरानी लेसन प्लान भी प्रस्तुत करते हैं तो उस दौरान हम लोगों ने बहुत सारी सामग्री इस तरीके की देखी हुई है। यह बात सही है कि भाषा में TLM को एक तो मार्केट में बहुत अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से बहुत मदद मिलती नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा भी है, मार्केट में बहुत TLM नहीं है इसलिए कन्फ्यूजन नहीं है। टीचर के दिमाग में यदि कुछ है तो वो अपने आप में TLM है, अपने आप में वो शिक्षण अधिगम सामग्री है। नेक्स्ट अगर हम हिंदी की बात करें, भाषा की बात करें या सामान्यतः किसी भी दृष्टि से हम TLM पर बात करें तो तीन तरीके के TLM हमें देखने को मिलते हैं, श्रव्य सामग्री के रूप में, दृश्य सामग्री के रूप में और कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में। अगर हम दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, आजकल मोबाइल, ये सारी चीजें हैं। दृश्य सामग्री की अगर हम बात करें तो श्याम पट से लेकर बुलेटिन बोर्ड से लेकर फ्लेनरील बोर्ड, चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ये सारी चीजें दृश्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य का मिला हुआ रूप यदि हम देखें तो वास्तव में वो सारी सामग्री जो सुनने और बोलने देखने दोनों का काम कर सकती है। जैसे TV एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, नाटक एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, खासकर भाषाओं में जितनी भी भाषाएं आप पढ़ाते हैं यदि उसमें आप नाटक विधा का उपयोग, मान लीजिए कोई कहानी बच्चा पढ़ता है तो उस कहानी को नाटक या एकांकी में परिवर्तित कर दें तो बच्चे की समझ बहुत बेहतर तरीके से विकसित हो सकती है। जैसा मैंने आप लोगों से कहा है ये साइड में कुछ TLM भी मैंने प्रदर्शित किए हुए हैं, उद्देश्य ये है कि इस TLM के माध्यम से एक मैसेज आप लोगों तक पहुंच सके कि वो कैसे हो। दृश्य श्रव्य सामग्री को अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत आवश्यक ये है कि जो भी ज्ञानेन्द्रियां बच्चा उपयोग करता है, यदि एक से अधिक ज्ञानेन्द्रिय का उपयोग बच्चे के द्वारा किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सीखने की प्रोसेस में किया जा रहा है तो ये स्वाभाविक है तो उसके सीखने की गति बढ़ जाएगी। इसीलिए बार बार ये अपेक्षा की जाती है कि यदि दृश्य और श्रव्य सामग्री हो, यदि हम श्रव्य सामग्री की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि श्रव्य सामग्री में शिक्षक से अच्छा TLM कोई हो नहीं सकता है।
जो शिक्षक बोल सकता है, जो शिक्षक बता सकता है, उससे बेहतर कोई टीएलएम कक्षा में होता नहीं है। लेकिन जब हम दृश्य और श्रव्य की बात करते हैं तो फिर शिक्षक को कुछ मौखिक के साथ कुछ ऐसी चीजें भी दिखानी चाहिए जो बच्चे को स्थायित्व की ओर ले जाए, जो उसके मस्तिष्क को एक ऐसे निर्णय पर ले जाए जहां उसको विषय वस्तु को समझने में आसानी हो। ये सारी चीजें जो हम दृश्य श्रव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं कक्षा में, वो कक्षा को बहुत रुचिपूर्ण बनाता है, कक्षा की नीरसता को खत्म करता है। कुछ सैद्धांतिक जो मौखिक चीजें होती हैं उनको किसी टीएलएम के माध्यम से मनोरंजक बनाने में सहयोगी होता है, और वो तमाम उद्देश्य जो सुनने और देखने, दो इंद्रियां जब साथ काम करती हैं, हम लोग बहुत पहले से एक वाक्य बोलते आए हैं, मैंने सुना याद रहा, मैंने देखा समझ आया, और मैंने किया तो स्थायी हुआ। तो वो जो आप स्वयं करके देखते हैं टीएलएम में, मेरा एक अनुरोध यहाँ और शिक्षक साथियों से रहेगा कि टीएलएम, हम लोग यहाँ से बार बार नो कॉस्ट लो कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि टीएलएम कई बार केवल शिक्षक साथी के हाथ में होता है। अपेक्षा ये है कि वो नो कॉस्ट लो कॉस्ट टीएलएम हो, बच्चों के बीच में हो, बच्चों को उसे छूने का, उसको एहसास करने का, उसके साथ काम करने का यदि मौका मिलता है तो वो गति बहुत तेजी से सीखने की बढ़ सकती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के बहुत सारे उद्देश्य हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। रुचि पैदा करना बहुत सामान्य सी हम सब लोग जानते हैं, बालकों में कुछ सूचनाओं को रोचक तरीके से प्रस्तुत कर देना, वो भी हम सब लोग जानते हैं। सीखने में जो गति है बच्चे की, जो उसकी गति है, जो खासकर रिटेंशन में सुधार की संभावना, यदि किसी कक्षा में टीएलएम का भरपूर उपयोग हो रहा है तो वहाँ ये भी देखा गया है कि वहाँ रिटेंशन में सुधार हुआ है, तो उसको भी आपको लागू करना होगा। शिक्षक के साथ बच्चे सक्रिय हो जाते हैं यदि किसी कक्षा में टीएलएम का उपयोग बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है। रीडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है हम सबके लिए, और चूंकि भाषा में रीडिंग का ना होना मतलब अन्य विषयों में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो रीडिंग के लिए टीएलएम का एक बहुत अच्छा उपयोग, जैसा अभी आदरणीय पारिक सर ने बहुत सारे नाम, बहुत सारे स्कूलों के नाम, बहुत सारे विकास खंडों के नाम अपने उद्बोधन में बताए हैं, और प्रदेश में बहुत सारे शिक्षक, मैं सैकड़ों शिक्षकों को जानता हूँ जो इस तरीके के टीएलएम अपनी कक्षाओं में बखूबी बना रहे हैं, बखूबी उनका उपयोग कर रहे हैं, और हर दूसरे चौथे दिन उनके पास एक नया टीएलएम होता है। तो वो केवल कुछ शालाओं में ना रहे, वो विस्तार हो उसका, हर शिक्षक के दिमाग में टीएलएम है। मैं बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ कि टीएलएम हर शिक्षक के मस्तिष्क में है, हर शिक्षक के दिमाग में है। वो दिमाग में से केवल आपको कागज पे लाना है, किसी प्रारूप में लाना है, किसी एक विजुअल चीज के रूप में सामने रखना है। अभिरुचियां और आशानुकूल प्रभाव के लिए भी टीएलएम सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये योग्यता अनुसार तीव्र या मंद बुद्धि में दोनों तरीके के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। जो स्लो लर्नर है उनके लिए भी ये उपयोगी सामग्री होती है। पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, सरल और बोधगम्य बनाया जा सकता है। बच्चे को पाठ पर केंद्रित किया जा सकता है। यदि आपके पास कोई टीएलएम उस पाठ से रिलेटेड होगा तो निश्चित रूप से उस पाठ पर केंद्रित भी बच्चों को किया जा सकता है। यह भी टीएलएम का एक उद्देश्य है। बालकों की तर्क शक्ति को बढ़ाने में भी टीएलएम उपयोगी होता है। अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप देने में भी टीएलएम का उपयोग होता है, और बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी एक प्रेरणा का काम करता है। तो ये तमाम उद्देश्य जो एक टीएलएम खासकर दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ होता है। एक अच्छी शिक्षा सामग्री की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ये जो भी टीएलएम आप बनाते हैं उसमें जो भी आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह उसको प्रभावशाली बना सकता है। एक टीएलएम, एक टीएलएम में जो वातावरण निर्माण का काम भी
PLM के माध्यम से किया जा सकता है, छात्रों को सक्रिय और अनुशासित रखा जा सकता है, जटिल प्रकरणों को सरल रूप से समझाया जा सकता है, कक्षा में उत्साह और रुचि का वातावरण निर्मित किया जा सकता है, शिक्षण सहायक सामग्री में स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। पहले भी बात हुई है कि अमूर्त किसी चीज को मूर्त रूप देने में TLM का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। छात्रों को सारे छात्र जो भी कक्षा में है, चाहे वो फास्ट लर्नर है या स्लो लर्नर है, उन सबके लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। और कम से कम समय में अधिक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक इंद्रियां काम करती हैं किसी भी TLM के रूप में, पहले बात हो चुकी है, तो निश्चित रूप से समय अवधि को भी हम किसी समय सीमा में किसी बच्चे को एक बेहतर लर्निंग की ओर ले जा सकते हैं। और कक्षा में अध्यापक को भी सक्रिय रखने में एक TLM एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, शिक्षण सामग्री का जो उपयोग है वो उपयोगिता में भी बहुत सारी बातें पहले हो चुकी हैं, इसलिए मैं उसको दोहराव नहीं कर रहा हूं। अब जो भी आप लोगों ने शिक्षण अधिगम सामग्री या आपने TLM को बनाया है, वो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए होगा, वो रुचिपूर्ण होगा, प्रेरक होगा, बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए होगा, बच्चों को और ज्यादा सक्रिय और अनुशासित रखने के लिए होगा, और वो तमाम चीजें जो अभी विशेषताएं और उपयोगिता में हम लोगों ने कही हैं, वो पुनः यहाँ रिपीट हो रही हैं, इसलिए उसको हम बहुत विस्तार नहीं कर रहे हैं। ये कुछ मैं TLM आपके सामने प्रदर्शित है, अगर आप देख पा रहे हैं आकृतियों के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से कुछ TLM को यहाँ बनाया गया है। खासकर भाषा में यदि हम बात करें तो प्रारंभिक स्टेज में कक्षा एक और दो के लिए जो TLM बनते हैं वो बहुत रोचक ढंग से बनाए जा सकते हैं। उसमें बहुत जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं, कंटेंट जहां आना शुरू होता है वहां, खासकर भाषा में अगर हम देखें तो व्याकरण का एक ऐसा पोर्शन होता है जहां बच्चे को कुछ चीजें शायद याद करनी होती हैं, कुछ चीजें जो उसको रटना होती है, खासकर हम पारिभाषिक शब्दावली जहां पे भी आती है, परिभाषाएं जहां आती हैं, उसको भी आप कैसे एक TLM के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक संज्ञा का यहाँ दिया हुआ है, एक क्रिया का पोस्टर यहाँ दिया हुआ है, तो कैसे आप उसको स्थायित्व तो दे सकते हैं कि किसी परिभाषा को रटने की बजाय उसको समझने की ओर ले जा सकते हैं। एक और कॉम्पिटेंसी जो लगभग 1 से 5 तक तो हर कक्षा के साथ है, पहेली के रूप में, ये एक सुंदर TLM आपके सामने बूझो के रूप में दिखलाई दे रहा है। ये और कुछ पढ़ने की रीडिंग के लिए कुछ पर्यायवाची शब्दों का है, कुछ शब्दों के मात्रा लगा करके ला और ला में के साथ कुछ शब्द बनाने की प्रक्रिया है। नीचे के उसमें आप देख पा रहे हैं कि एक पूरा वाक्य बनाने की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें नाम भी बदल रहा है, फिर उसके बाद संज्ञा भी बदल रही है, क्रिया भी बदल रही है, और उसके साथ बच्चे को पढ़ने की प्रैक्टिस कराई जा सकती है। तो इस तरीके के बहुत सारे TLM जो आपके दिमाग में हो, ये केवल हम यहाँ आपको एक मोटा मोटा हम बात करना चाह रहे थे। कुछ TLM के रूप में आप इस तरीके के कुछ कार्ड भी, शब्दों के कार्ड, कुछ वाक्यों के कार्ड, कुछ वाक्य पट्टिकाएं जो आप लोग बहुत पहले से, हम लोग लगातार क्लास 1-2 की ट्रेनिंग में और लगातार हिंदी की जब जब ट्रेनिंग हुई है उसमें हम लोगों ने लगातार इस पर फोकस किया है कि इस तरीके के TLM जिसमें आप कुछ शब्द कार्ड बना लीजिए, कुछ वर्ण कार्ड बना लीजिए, कुछ वाक्य बना लीजिए, कुछ पूरी कहानी या कविता की वाक्य पट्टिकाएं बना लीजिए, वो भी एक बेहतर TLM का स्वरूप हो सकता है। और ये सब सामग्री आपके आसपास है, परिवेश में है, आपको कहीं खोजना नहीं है, सामग्री आपके कंटेंट से मिलती है, और उसी कंटेंट में आपको केवल ये देखना है कि वो कंटेंट बच्चे तक डिलीवर कैसे होगा, बच्चे तक कैसे आप पहुंचा पाएंगे। उसके लिए आपके दिमाग में जो भी आप सोचते हैं,
मैं पुनः इसको रेखांकित करके दोहरा रहा हूं कि एक शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाता है तो उस दौरान उसके दिमाग में बच्चों को समझाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं वो सारी प्रक्रियाएं टीएलएम का रूप है। उसको केवल आपको एक स्वरूप देना है कि वो बच्चों तक कैसे पहुंचे और बच्चों के हाथ में कैसे हो, वो अमूर्त से मूर्त कैसे हो, वो देखने लायक, छूने लायक, महसूस करने लायक, बच्चे की एक से अधिक ज्ञान इंद्रियों के उपयोग के लिए कैसे उपयोगी हो। धन्यवाद। धन्यवाद लोकेश जी। साथियों, आपने सुना लोकेश जी को, हमारे हिंदी के विशेषज्ञ हैं राज्य के, और आपने विभिन्न विभिन्न फोरम पे आपने उनको बहुत सारी चीजें वो प्रदर्शित करते हुए बताते हुए देखा होगा। निश्चित रूप से हिंदी के हमारे जो साथी हैं उनको काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी। उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अब मैं गणित विषय के हमारे विशेषज्ञ आदरणीय बीबी गुप्ता साहब से अनुरोध करूंगा। गुप्ता जी गणित के हमारे महारथी हैं, राज्य शिक्षा की चलिए ठीक है। धन्यवाद खान साहब, बहुत अच्छा आपने कहा। महारथी तो आप ही हैं क्योंकि वर्तमान से ट्रेनिंग को एक अच्छे से दिशा दे रहे हैं राज्य में। थैंक यू। मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज सभी को आ रही है? थोड़ा कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ आ रही है, है? माइक ऑफ है। नहीं, मैंने अभी आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज नहीं आ रही शायद, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा है। चलिए, आवाज आ रही होगी? हाँ आ रही है। चलिए मैं कुछ बातें बताऊं। जैसे अभी बहुत अच्छी बातें टीएलएम से के संबंध में बातचीत हुई, मैं कुछ बातों को बताऊंगा जो ध्यान रखना है गणित के संदर्भ में। गणित में टीएलएम हम कहें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक टीचर अगर चाहे तो अपना टीएलएम स्वयं निर्धारित कर लेगा कि उसे कौन से टीएलएम की कब आवश्यकता है। गणित के जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं, उस लर्निंग आउटकम्स के आधार पे या पाठ किसी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा रहे हैं, उस पाठ्य पुस्तक के साथ पढ़ाने के साथ साथ टीचर स्वयं ही निर्धारित कर लेते हैं कि उन्हें किस टीएलएम की आवश्यकता होगी। यदि टीचर अपने फैसिलिटेशन में, अपने कक्षा शिक्षण में अपनी भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं, इसलिए हर शिक्षक अपनी अपना टीएलएम बनाए। फिर भी हम लोग सुझावात्मक यहाँ से कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि जो शिक्षक थोड़ा बहुत नहीं सोच पा रहे हैं तो वो सोचे, इस दिशा में सोचे और उससे अच्छा सोचे। ये उद्देश्य है इसके पीछे कि कुछ किस तरह से आप सोच सकते हैं। बाकी जैसा मैंने बताया, हर शिक्षक अपना कर पाते हैं। गणित में जैसा अभी बातचीत आ रही थी, तो गणित में कोई भी चीज मूर्त नहीं होती, ये ध्यान में रखिए। कॉन्क्रीट नहीं होती गणित, गणित हमेशा अमूर्त होता है। अमूर्त मतलब ब्रेन में चलता है। जब ब्रेन में बच्चा समझने लगता है, मानसिक रूप से समझ बढ़ जाती है, तो समझ लीजिए गणित आने लगी। मतलब गणित में मैथमेटाइजेशन जिसे बोलते हैं, गणितीयकरण, वो तब होता है जब बच्चा ब्रेन में कुछ करने लगता है। जैसे आपने तीन बोला, उसके दीवार में तीन की कोई एक चित्रात्मक आकृति आ गई, वो जिस एक एक बच्चा तीन अमरूद समझ रहा हो, एक तीन तरबूज समझ रहा हो, तीन कुर्सी समझ रहा हो, तीन पंखा समझ रहा हो, जैसे आपने तीन बोला उसके दिमाग में तीन आएगा। ये जो अमूर्त है, इसी को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्क्रीट जो होता है, आप अगर तीन पत्थर दिखा रहे हैं, तीन बीज दिखा रहे हैं, ये कॉन्क्रीट होता है। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं गणित में। कॉन्क्रीट से हम प्रारंभ इसलिए करते हैं कि बच्चे को थोड़ा समझने में सहायता मिले, समझने में थोड़ा सा उसे दिमाग जल्दी से किसी दिशा में आने लगता है, ये उसका उद्देश्य होता है, और इस तरह से गणित में वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अल्टीमेट वो कंकड़ पत्थर से या ये जो टीएलएम है इससे अगर कोई बच्चा कर रहा है तो गणित नहीं कर रहा है, वो कंक्रीट का सहारा ले रहा है। लेकिन जब ब्रेन में चलने लगता है तब वो गणित होता है। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो कोई गांव वाला बोलता है, यार इसमें कोई गणित लगाओ जिससे ये बाल्टी निकल जाए, ये गणित है। ये उसी समय उपाय सोचता है कि ये गणित, कुएं में से बाल्टी निकलेगी कैसे, वहां बोला जाता है कि गणित लगाओ, तो ये गणित जो लगाओ यही एक्चुअली में गणित है। गणित बच्चे की तर्क शक्ति को बढ़ाता है, शीघ्रता से किसी निर्णय पे पहुंचने को आगे बढ़ाता है, ये उद्देश्य होता है गणित पढ़ने का। जो कुछ हम पढ़ते हैं इसके पीछे उद्देश्य सब सिर्फ ही होता है। मैं कुछ अब बातें बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। गणित में चार, कक्षा एक से आठ तक गणित में
आठ तरह के लर्निंग एरियाज हैं। एक है नंबर सिस्टम, जिसमें संख्या पद्धति बोलते हैं, जिसको थोड़ा और इंप्रूव किया गया है। संख्या, नंबर सेंस, संख्या बोध, संख्या बोध की आवश्यकता है। संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्या बोध की आवश्यकता है। बच्चा ये समझे कि तीन जो है वो दो से एक ज्यादा है, पांच से दो कम है। ये संख्या पद्धति के साथ साथ संख्या बोध हो, क्योंकि तीन को खाली तीन के रूप में नहीं समझे कि तीन वस्तु को ला दिया। उसे ये भी समझ आना चाहिए कि तीन जो है आठ से पांच कम है, एक से दो ज्यादा है। इसलिए जब हम ऐसी स्थिति को देखते हैं तब वो संख्या बोध होता है। इसलिए हमेशा संख्या बोध, नंबर सेंस की तरफ लेके जाना है बच्चे को, ना कि सिर्फ रटा देना है। तो रटाने के बजाय आप उसको ये अनुभव दीजिए, ऐसा फैसिलिटेशन करिए एज ए टीचर कि वो बच्चा जो है वो ऐसा वातावरण में खुद कुछ सीखने की का प्रयास करे, खुद से कुछ सृजित करे, खुद से कुछ रचना करे, कुछ सृजनात्मक कार्य करे, तो वो स्वयं से कुछ जो करेगा वो सीखेगा। हर बच्चा अपने तरीके से करेगा और ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हर बच्चा अपने तरीके से गणित के संदर्भ में सोचे। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं। संक्रियाएं जो होती हैं वो जोड़ घटाना गुणा भाग होती हैं। तो जोड़ घटाना गुणा भाग के अंतर्गत में एक्चुअली भाग में होता क्या है ये आना चाहिए। आठ में दो से भाग देना है, खाली दो चौके आठ हो गया, ये भाग नहीं है। भाग के अंदर क्या होगा ये सोच, मेरे विगत पिछले कुछ वीडियो वीसी में आपने सुना होगा, मैंने आठ को बताया है। चूंकि आज समय कम है लेकिन मैं कुछ टीएलएम आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी। ऐसे ही मापन, मापन के अंतर्गत लंबाई, वजन और धारिता है। अब लंबाई में कक्षा एक और दो के संदर्भ में बीते से नापी है, बीता से नापी है, ये बीता जो दिख रहा है, और किसी ये किसी ऐसे लकड़ी ले लीजिए इससे नापी है, ये नापी है। एक बच्चा इससे नापेगा, बीते से नापेगा, तो हर बच्चे के बीते से अलग अलग लंबाई है। मान लीजिए बोर्ड की लंबाई नाप रहे हैं, अब बोर्ड की लंबाई एक बच्चा नाप रहा है, उससे 15 बीता आया, एक बच्चे से 20 बीता आया। अब ये निर्णय, अब ये आपस में चर्चा करने दीजिए कि उसका 20 क्यों आया, इसका 15 क्यों आया। अगर ये निर्णय करके विश्लेषण कर पाते हैं कि इसका बीता छोटा था इसलिए इसका 20 आया है, और इसका बीता बड़ा था इसलिए इसका 15 में हो गया, ये निर्णय तक पहुंचना गणित है। ये अर्थात बच्चे को करने के मौके दीजिए, खुद कुछ दिखा देंगे, गणित में इसकी कहीं जगह नहीं, दिखाने की कोई जगह नहीं है, करने की जगह है। गणित में अगर आप करने के मौके दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप जो कुछ बता रहे हैं एज ए टीचर, जो कुछ एज ए टीचर फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप पांच समूह बनाइए बच्चों को, समूह में चार चार पांच पांच के बच्चों के समूह में उनको कुछ करने के मौके दीजिए। अब देखिए मैं लंबाई वजन धारिता बता रहा, जैसे ही मान लीजिए ऐसे चीज है इससे नापने को, जो भी बच्चा नापेगा इससे कोई बोर्ड, तो अगर ये पांच ऐसे ऐसे पांच आते हैं तो पांच हर बच्चे का आएगा, तो ये आएगा यार इससे पांच आ रहा और मेरे बीते से अलग अलग आ रहा। अब इसके बाद इसी से ये भी एक अमानक इकाई है, लेकिन अब मानक आगे इसी को एक फिट से या एक सेंटीमीटर एक मीटर से नापें, तो आप देखेंगे कि 30 सेंटीमीटर का जो एक स्केल होता है उससे नापेंगे तो सबका बराबर है। उसमें माप स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए उसमें सेंटीमीटर और मीटर में आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपको अमानक से मानक की तरफ जाना है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मानक हमें करना पड़ा, ये इससे निष्कर्ष निकला और बच्चे स्थायी रूप से उनके अंदर आएगा कि लंबाई में इसकी जरूरत मानक की क्यों पड़ी। दूसरा, अमानक इकाइयों में अगर अभी मैंने देखा कि ये बहुत आसानी से घर में, मैंने ऐसे ही अभी एक दिन आपकी क्लास थी तो ये घर में कटोरा पड़ा था, तो इसको ये बहुत सस्ता कहीं आ जाता है, मिल जाता है, ये मैंने कटोरे से एक तराजू बना दिया। अब इस तराजू में आप इधर दो टमाटर रख दीजिए, इधर एक टमाटर रख दीजिए, वजन बराबर, तो बराबर का कॉन्सेप्ट आएगा। ये खिलौना तराजू है, ये बनवाना पड़ेगा आपको, और ये बिल्कुल लो कॉस्ट नो कॉस्ट से, जो कहते हैं ना कि बिना, ऐसे बहुत सी चीजें, ये दिया है, ये देखिए ये दिवाली में दिया वगैरह यूज करते हैं, ये देखिए ऐसा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं उधर, ये दिया दो दिया ऐसा ले लीजिए दो, इसमें छेद करके बच्चों को इसको बनाने को कहिए, इसमें धागा बांध के तराजू जैसा बना ले, फिर इसमें वजन करे दो, कौन सी वस्तुओं का वजन, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक ये इसमें एक रखा और इसके तरफ इस तरफ एक दिया रख दिया, तो देखते हैं कि दिया वाला पोर्शन भारी है, फिर एक और रखा तो कहीं ये बराबर हो गया, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा धागा बांध के लटकाना पड़ेगा जिससे ये बराबर का संदर्भ आए। अगर कोई चीज भारी है हल्का है उसकी समझ आए, ये क्लास 1, 2, 3 के लिए संभावित है। इसके बाद बाटों पे आ जाइए, किलोग्राम 500 ग्राम वगैरह वगैरह, इसी खिलौना तराजू से तौलने दीजिए। यही सब गणित में, यही सब लर्निंग आउटकम्स है, ये जो कुछ आपके दैनिक जीवन में दिख रहा है यही गणित है। गणित दैनिक जीवन में है,
आपको ये एज ए टीचर फैसिलिटेट करना है बच्चों को कि वो गणित को दैनिक जीवन में कैसे पहचाने और कैसे जाने, तो उनको गणित से भय कभी नहीं होगा और गणित के करीब आएंगे, गणित से कभी नहीं भागेंगे। इसलिए जरूरत है कि आप ऐसी चीजों का उपयोग, ऐसा लगता है क्यों करें, अब आप यही सोचेंगे क्यों करें तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको करना पड़ेगा और गणित की अवधारणा तभी विकसित होगी बच्चों के अंदर, बच्चों का गणित से भय तभी दूर होगा जब बच्चे को ऐसे आप मौके देंगे। तो ये तो हो गया आपका वजन में, अब आपको लंबाई का बताई दिया। अब धारिता में देखिए, मेरे हाथ में ये दो बर्तन है, ये देखिए एक छोटा सा बर्तन है एक उससे भी छोटा है। अब बच्चे से बोलिए अच्छा ना इसमें बताओ इस बर्तन से कितना पानी आएगा, इस वाले में इससे कितना पानी आएगा। अब बच्चा बोलेगा मैं मान लो बच्चा हूं, मैं बोला इससे 5 आएगा, कोई बोला 4 आएगा, अपने हाथ में ही तो पानी तो देखना है। चलिए ये पानी लेते हैं यहां से ये पानी है इसमें, इसमें ही भरा, ये देखिए ये मैंने एक बार इसे भरा, ये देखिए मैं अभी 5 बोला था ना, ये देखिए 2 बार भरा, ये देखिए 3 बार भरा, और अब ये देखिए ये बड़ा छोटा सा है, कोई भी बर्तन लीजिए, कोई स्पेशल बर्तन नहीं है ये, कोई भी घर से उठा ला, ये तो कोई मोमबत्ती का ढक्कन था। तो ये देखिए 5 से 4 से थोड़ा सा ही खाली है, तो मेरा अनुमान गलत हो गया, मैं तो 5 बोल रहा था, 4 में ही भर गया, ये 4 से थोड़ा सा खाली। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अनुभव है ये जब बच्चा करेंगे तभी होगा, फिर पुष्टि भी हो गई, अनुमान लगाया पुष्टि हो गई, यही गणित है, गणित के लर्निंग आउट का। कक्षा 1-2 दिन के लिए, कक्षा 5-6-7 में बाल्टी से किसी मग्गे से बाल्टी को भरवाइए, मग्गे से बाल्टी को भरवाइए, मग्गे को किसी छोटी सी शीशी से भरवाइए, ये देखिए शीशी है, ये दवाई की शीशी है सिरप खांसी की, अब इसमें देखिए ढक्कन भी नपना भी रहता है, इसी से नपवा नपवा के डलवाइए कहीं, तो आपको कहीं कुछ ढूंढना है, बस आपका दिमाग लगाना है। मुझे ये लंबाई वजन और धारिता 3 गणित के कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आगे तक चलते हैं। ये लंबाई वजन और धारिता के लिए अमानक इकाई से मानक इकाई तक जाना आपके ऊपर है, एज ए टीचर आप कैसे इसको बच्चे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कैसे क्लासरूम में अवसर दे रहे हैं, और आप टीचर एजुकेटर के नाते आप कैसे अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चे आपके वैसा करने लगे और गणित को अनुभव करें दैनिक जीवन में। मैं साथियों एक चीज और बताता हूं, सामान्यता आप देखेंगे कि ये ऐसा कुछ दिखाएंगे आप तो लोग बोलेंगे अरे भैया बताओ कैसा है, बोले गोल है, रोटी कैसी होती है गोल होती है, ये गोल नहीं है, ये बड़ा गणितीय कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये गोल नहीं है, ये वृत्ताकार है, तो आप इसको गोल क्यों बोल रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ में ये दूसरी चीज देखिए, ये गेंद जैसा दिख रहा है, ये देखिए ये गेंद जैसा, ये एक्चुअली गोल है, फुटबॉल गोल है, गेंद गोल है, ये गोल नहीं है, वृत्ताकार है, गणित में इसमें नाम होता है इसका, ये हम लोग वैसे ही बोल देते हैं गोल है, तो ये गलत कर रहे हैं गणितीय कॉन्सेप्ट। तो इसको समझ के करना होगा कि गोल और गोल वृत्ताकार में अंतर हो। अब आप इसको बोलेंगे तो इसको भी गोल बोल देते हैं, ये देखिए पता नहीं दिख रहा कि नहीं, ये तार का है, ऐसे तार को मैंने मोड़ के बनाया, ये तार को मोड़ के बना, ये एक्चुअली वृत्त है, चूड़ी जो होती है चूड़ी वो वृत्त होती है, चूड़ी गोल नहीं होती है, गोल ये गेंद होता है, तो वृत्त वृत्ताकार और गोल में फर्क होना चाहिए। कंपेरेटिव तीनों को एक साथ बताइए ना, तो आप बच्चे आप कागज का ऐसा काट के ले जाते बच्चों देखो ये गोल है, अब गोल है आप ही गलत ही बता रहे, तो गोल ही बोलेगा जीवन भर, तो आप गोल को ये बताइए ना गेंद को, ये सब बहुत ध्यान रखना। गणित दैनिक जीवन में है लेकिन आपको चुनना है कि उसमें कौन सी किस तरह से हम गणित को लेके जाए। दूसरी बात ये सिलेंडर है, ये देखिए बीच से खोखला दिख रहा है, ये सिलेंडर है मतलब बेलन है, बेलन की आकृति है, तो ये बेलन ऐसा दिखाइए ना आप बिल्कुल खरीद के लाएंगे तभी थोड़ी होगा, ये पता नहीं अगरबत्ती का डब्बा है कि काय का है, ये इस टाइप का कुछ है, तो लेकिन ऐसे ये पाइप है उसका जो नलों में यूज होता है, ये भी कंड्यूट पाइप है बिजली में यूज होता है, तो क्या होता है ये सब आप सब, मैं भी ऐसे ही कहीं से ला के यूज करता रहता हूँ, आप इसको करिए। ये देखिए डब्बा घन जब पढ़ा रहे हैं, घन घनाब, ये देखिए घनाब, ये एक डब्बा है जो घनाब, अब बच्चा इसमें छुएगा इधर इधर इधर, देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों एक जैसा है, इधर वाला एक जैसा है, ये जो है ना ये अनुभव चाहिए, ये घनाब और ये घनाब, ये घन ये भी घन या घनाब जैसा थोड़ा दिख रहा है करीब करीब, बट बच्चे की दृष्टि में अगर पहले इसको घनाब भी बोलता है तो भी ठीक है क्योंकि घन जैसा भी दिख रहा थोड़ा, लेकिन आप चलिए इस डब्बे को देखिए, ऐसा बहुत सारा डब्बा घरों में आता है कुछ खरीदते हैं, तो ये देखिए
ये डब्बा और इस डब्बे में क्या समानता है, बच्चे को ऐसा कलेक्ट करने दीजिए कि एक जैसी चीज ढांटे, फिर देखिए इसमें क्या समानता है, इधर भी जैसा है वैसा इधर है, इधर जैसा है वैसा इधर है, इधर है इधर है, ऐसे ही इसमें भी कुछ था, ऐसे ही एक ही अगरबत्ती का डब्बा है इसको भी देखिए, ऐसे बहुत सारे अनुभव है जिसमें आप ये करा सकते हैं कि बच्चे को अब इसमें एक एक जैसी चीज देखिए, सभी में छह सरफेस है, छह सतह है, तो इसका मतलब ये कुछ, ये घनाभ कहलाता है, अगर ये सभी बराबर है तो वो घन हो गया, बहुत आसान ही बताना, आप बोर्ड पे लेके खड़े हो जाएंगे कि नहीं मैं बताऊंगा अब घन ऐसा होता है, कभी जीवन में नहीं समझेंगे, इसीलिए गणित दूर वो लगती है। आप इन सबको बताने के बाद बोर्ड पे जाइए, बच्चे के अंदर स्थायी रूप से समझ बैठेगी, ये सब बताइए ऐसे अनुभव दीजिए और आप देखिए फिर बोर्ड पे करके आप देखेंगे स्थायी रूप से बच्चे के अंदर वो आएगी। एक ऐसा काट लेते हैं, इसको बोलते हैं देखो बच्चों ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं है, ये वर्गाकार है, वर्ग कौन सा, कोई स्टार का मोड़ के जब बताएंगे ना, इस तार का मोड़ेंगे, तार को मोड़ के बताएंगे तो वर्ग बनेगा, ये वर्गाकार है। अगर ये एक आपके सामने दिख रहा है, ये आयताकार है, आयत नहीं है, बोल देते हैं हम आयत है ये, लेकिन आयत नहीं है, आयताकार है। आयत कौन सा, तो तार से बनाइए, तार को मोड़ के झाड़ू की सीख ले लीजिए, बांध दीजिए चार झाड़ू की सीख को बांध दीजिए, ये बहुत सारा सोच बना सकते हैं, जैसे आप बनाएंगे झाड़ू की सीख से तो वो आयत बनेगा, ये आयताकार है, इसलिए गणित में हर चीज का नाम है, क्लियर बिल्कुल साफ साफ है। इसलिए आप वृत्त बनाना है तो वृत्त को आप एक कील में धागा बांध लीजिए और जमीन में रख के ऐसा घुमा दीजिए तो आप देखेंगे कि वृत्त बन जाएगा, चौक रख के बोर्ड पे घुमा दीजिए तो वृत्त बन जाएगा, फिर जब बड़े होंगे बच्चे आएगा एक फिक्स बिंदु से, जो बिंदु पथ है वो वृत्त कहलाता है, वो बड़े होके आता है, बट छोटे स्टेज में तो ऐसे ही समझना है और इसको जानना, लेकिन सही स्थापित होगा तभी समझ जब आप ऐसे मौके बच्चे को करने को। अब एक और अंतिम चीज बता दूं, ये कौन का है टोकर, जोकर की टोपी बोलते हैं और इस टाइप से बना देते हैं, तो ये कौन है, आइसक्रीम होता है कुछ, ये सब दिखाइए कराइए। ये देखिए घन 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 है, ये घनाभ जैसे पहले डब्बों का बताया था, ये अब ये घन है, तो ये घन हो गया। अब आपको एक और टीले में बता दूं कि अगर आपको जगह की समझ बतानी है, समझ मतलब क्षेत्रफल की तरफ जाने में, तो एक कागज ले लीजिए, ये देखिए ये वो जो अलता होता है रंग है वो है, बड़े आसानी से मिल जाता है दो चार रुपए में, इसको क्या करिए कटोरे में डाल दीजिए और किसी आलू को काटिए, आलू का खराब आलू, और उसको काट के डुबाइए और उसमें छापे लगाइए, इसमें मैंने शायद लगाए थे कहीं, छापे लगाइए, जब आप देखिए इसमें 10 आलू से छापे से भर गया और बीच में थोड़ी बहुत जगह बची, एक छोटा आलू काटिए उससे भी करिए, छोटे से ज्यादा छापे आए 20 आ गए, इससे 10 आए, ये बच्चों में विश्लेषण करने के क्यों ऐसा हुआ। एक कमरे में दरी बिछी है, छोटी दरी बिछी है तो 5 दरी बिछी, बड़ी दरी बिछी तो 2 में ही भर गई, अब ये बच्चे को विश्लेषण करने ऐसा क्यों हुआ, ये जगह की समझ होती, इसी के आगे बच्चे क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की तरफ जाते हैं, तो आपको जरूरत है कि ऐसे जगह की समझ, एक टेबल पे किताबें रखवाइए, किताबें जब रखवाएंगे 10 किताबों से भर गई, कोई दूसरी किताब रखवाई उसमें शायद 12 किताब से भरी, तो ये निर्णय लेने दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ कि ये छोटी किताब थी बड़ी किताब थी, ये जगह थी तो उसका यूनिट हुआ कि इस किताब से 12 किताब इसका क्षेत्रफल हुआ, इस टाइप से फिर मानक में आएंगे, मानक से फिर स्टैंडर्ड यूनिट में आ गए। साथियों मेरा आइडिया ये है, मैं कुछ आइडिया सिर्फ कम टाइम था, खान साहब से मैंने कहा था, हालांकि इनके भी वो है टाइम को लेके, ये कम से कम 1.5 घंटा अगर होता है तो आपको मैं बहुत कुछ बताने की स्थिति में रहता, लेकिन फिर भी चूंकि कम समय 10-10, 15-15 मिनट दिया गया था, लेकिन मैंने एक आइडिया दिया है कि सारे साथी जो जुड़े हुए हैं वो इसको अपने तरीके से जनरेट करें, क्रिएट करें और उसके बाद अपने टीचर साथियों को ओरिएंट करें और ओरिएंट के बाद वो बच्चों के साथ शेयर करें एज ए फैसिलिटेटर, शिक्षक के रूप में शिक्षण को थोपे नहीं, शिक्षक के रूप में आप एक फैसिलिटेटर बन के बच्चे को मौके दीजिए क्लास में कि बच्चा स्वयं सीखने के लिए आगे ललायित हो। थैंक यू सभी को। थैंक यू गुप्ता जी, बहुत सारगर्भ बहुत ओजस्वी आपका प्रस्तुतिकरण रहा, निश्चित रूप से हमारे गणित के साथियों को बताया होगा, अपने समय के हिसाब से मैं आदरणीय श्री आरती त्रिपाठी जी जो हमारे ज्ञान विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ज्ञान से संबंधित प्रस्तुत करें। धन्यवाद खान साहब। सचिव नमस्कार, मैं जैसा कि ये TLM मेला है तो TLM आप लोग समझ ही रहे हैं कि हमें शैक्षिक जो कक्षागत प्रक्रिया है उसको सरल बनाना है, सुदृढ़ करना है
और ऐसी बनाना है कि बच्चे आसानी से समझ सकें अवधारणाओं को। जैसा भी गुप्ता जी बता रहे थे, उन्होंने अवधारणाओं पर गहरी छाप पड़ी विद्यार्थियों की, शिक्षक उसको समझे। इसके लिए TLM का निर्माण करना है। निश्चित ही आप जानते हैं कि विज्ञान जो वर्तमान 6, 7, 8 में चल रही है, प्रयोग और प्रदर्शनों पर आधारित ही है। कि आप इस विषय वस्तु को समझाने के लिए जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक विद्यार्थी की जो अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो निश्चित ही ये बहुत अच्छा अवसर मिला है कि ये TLM मेला, TLM बनाने के अवसर, और निश्चित ही हमारे शिक्षक साथी TLM बनाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, पर उन्हें एक मंच मिल रहा है कि एक अपने TLM का प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे। जिन साथियों के अच्छे मॉडल होंगे, मॉड्यूल होंगे, उनको लोग देखेंगे और उसी के अनुरूप अपने भी तैयार करेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध ये करूंगा कि मार्केट की बहुत सारी चीज़ों को मत परचेस करिए। आपके यहाँ जो सस्ता सुलभ संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं से विद्यार्थियों को हर चीज़ समझाने की कोशिश करना है, उन्हीं से अपने को मॉडल तैयार करना है, TLM तैयार करना है, जो विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझाने में मदद करें। जैसे कुछ हमने भी बताया, जैसे अपन भोजन करते हैं कि भोजन के विभिन्न घटकों को प्रदर्शित करें, उनके स्रोत क्या हैं, उनमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कि अच्छी सी टेबल अपनी किताबों में भी दी हुई है, बहुत से अच्छे से चार्ट, चित्र और अनाजों का कलेक्शन करके हमारे प्रदर्शन किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में बहुत स्पष्टता होती है, बहुत सुलभ साधन है। इसी प्रकार से जो कपड़े हैं, कपड़ों का भी हमारा एक पार्ट है, विभिन्न प्रकार से जो हमारे दर्जियों के यहाँ कपड़े होते हैं, उन कपड़ों के टुकड़े हम छोटे छोटे लेकर आएँ और उनको विद्यार्थियों को अपने दिखाएं, माने दिखाते हैं निश्चित तौर से पढ़ाने के दौरान कि कैसे कौन से कपड़े हैं, किस से बने हैं, कौन से टेरिकॉट का है, कौन सा जो हमारा जो सूती कपड़ा जिसको हम कहते हैं, कौन से रेशम का कपड़ा है, कपड़ों की पहचान करती। इस प्रकार से इनका कलेक्शन भी प्रदर्शित किया जा सकता है। वस्तुओं को प्रदर्शन करें जिसमें वस्तुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी हो दी जाए कि पारभाषी, अपारदर्शी, पारभाषी ये कौन सी हैं वस्तुएं, उष्मा के चालक कुचालक के बारे में, विद्युत के चालक कुचालक, जल में कौन तैरती हैं, कौन डूब जाती हैं, ऐसी वस्तुओं का संग्रह करके इनका भी हम प्रदर्शन एक TLM के रूप में कर सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है। पदार्थों के पृथक्करण की जो हमारे पास हमारे किताबों में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको समझाने के लिए जो विभिन्न विधियाँ होती हैं उनके TLM तैयार किए जा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे विद्यार्थी पृथक्करण की विधियों को समझ लें, जान लें, पहचान लें, इनका प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी परिवर्तन बहुत छोटे दिन प्रतिदिन में उनको देखने के लिए मिलते हैं, इनका हम प्रदर्शन इनको भी हम दिखा सकते हैं, इनके TLM बना सकते हैं। शरीर की विभिन्न जो गतियां हैं इनको भी हम प्रदर्शित करें, बहुत सारी चीज़ों से हम कोई उदाहरण लेकर के यहाँ से कर लें। सजीवों के आवास को प्रदर्शन करने के लिए कि विभिन्न प्रकार के सजीव कहाँ निवास करते हैं, इसके भी हम TLM बना सकते हैं। गति दूरियों के मापन के संबंध में भी हमें TLM बनाना चाहिए, अच्छे बनते हैं। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, इसका बहुत अच्छा TLM बनता है। सूची छिद्र कैमरा बनता है। कैलाइडोस्कोप का निर्माण हम करते हैं। विद्युत परिपथ है, चुंबक के विभिन्न उपयोग, जल चक्र, फिरकी का और कचरे का निपटान, ये भी हम इनका TLM इन पर हम निर्माण कर सकते हैं। बहुत अच्छी विषय वस्तु है जिन जो नियमित हमारे विद्यार्थी इनसे समझने की कोशिश करते हैं और अपने विषय से जुड़ाव भी महसूस करते हैं, हम इस पर दे सकते हैं। मानव का पाचन तंत्र है, इसको समझाने के लिए बहुत से चार्ट बनाए जा सकते हैं, बहुत से और कोई तरीके किए जा सकते हैं। जो हमारे डॉक्टरी थर्मामीटर और इसका प्रायोगिक थर्मामीटर है, इनका प्रयोग प्रदर्शन हम देख सकते हैं कि जो प्रयोगशाला में उपयोग होता है, कैसे इनका मेजरमेंट लेते हैं, क्या दोनों में समानताएं विषमताएं होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा प्रदर्शन हम करवा सकते हैं। जो हम अम्ल क्षार लवण हमारे में पहचान की है, इसको देख सकते हैं। कृत्रिम सूचक तैयार करवा सकते हैं, जो अपने यहाँ कोई भी संसाधन हो, ठीक है ना, इनको हम देख सकते हैं। वायुमंडल दाब मापी का हम निर्माण, एक इसका TLM बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा। मृदा की पहचान, ये मृदा भी हमारे हैं, मृदा पर एक बहुत अच्छा TLM एक बार भोपाल ISC ने बनवाया था, ऐसे TLM भी हम देख सकते हैं कि जिससे मृदा की पहचान की जाती है, इसके बारे में हम जानते हैं कि कौन सी मृदा ज्यादा जल का अवशोषण करती है, इसका भी प्रदर्शन किया जा सकता है। मानव हृदय का प्रदर्शन है, विद्युत घंटी का मॉडल है, विभिन्न प्रकार के लेंस हैं इन और
दर्पण है, इनके उपयोग और से कुछ हम सामग्री बना सकते हैं। अवशिष्ट जल का पर्यावरण पर हम आपका बार बार ध्यान करते हैं कि हमारे में अवशिष्ट जल का प्रबंधन है, इनके बारे में भी हमें बताना चाहिए विद्यार्थियों को। सूक्ष्म जीवों का प्रदर्शन, सूक्ष्म जीवों के बारे में कैसे बच्चे देख सकते हैं इनका, द्रव की जो है मैं पूरे सभी तरह प्रेशर डालता है इसको प्रदर्शित करवा सकते हैं, घर्षण का प्रदर्शन कर सकते हैं, वाद्ययंत्रों को देख सकते हैं, जल तरंग किस प्रकार से उठती हैं इन पर हम TLM बना सकते हैं, खिलौने से जो टेलीफोन में बच्चे बात करते हैं दूर खड़े होकर के, इनके चीज़ों का भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं, फरल विद्युत दर्शी का निर्माण कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के परावर्तन और अपवर्तन इनका प्रदर्शन, सौर मंडल। तो साथियों इस प्रकार से हमारे जो साइंस की सामग्री है बिल्कुल ऐसी दिख रही है कि हमारे लोकल में ही बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी, और उनको हम व्यवस्थित तरीके से समझाना अपने को मानते हुए TLM का निर्माण करें और उन TLM का प्रदर्शन करें तो निश्चित ही हमारे विद्यार्थी भी भविष्य में सीखेंगे और वो TLM हमारे अच्छे कारगर होंगे। मतलब परचेस करके सामग्री को हम प्रमोशन कम करें, कम प्रमोट उसको हमें थोड़ा सा बचना चाहिए उससे, कि अधिक से अधिक ऐसी सामग्री सोचें कि जो रॉ मटेरियल आपके आसपास कहीं ना कहीं मिल जाता है सरल तरीके से, उसका उपयोग करते हुए TLM का निर्माण करें। धन्यवाद साथियों, आप इन्हीं का उपयोग करते हुए निश्चित तौर से आप TLM निर्माण करेंगे और अपने TLM का प्रदर्शन जिला, ब्लॉक, जिला और राज्य में करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी। साथियों आपने विज्ञान विषय के संबंध में आदरणीय त्रिपाठी जी के वक्तव्य सुने, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। अब मैं राज्य की हमारी TLM की प्रभारी आदरणीय रीता गुप्ता मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो अपने मार्गदर्शन एवं निर्देश प्रदान करने का खर्च करें, उसके पश्चात हम प्रबंधन और बजट पर बात करेंगे। थैंक यू खान सर। सभी सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग काफ़ी दिनों बाद एक तरह का TLM मेला ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और यह मेला एक प्रदर्शनी सा TLM मेले के रूप में है। इस देखिए हमने इसको एक नया रूप देने की कोशिश करी है कि इस समय जो TLM सामग्री एक शिक्षक निर्मित कर रहा था, लेकिन हमेशा एक शिक्षक को कई बार टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी एक आर्ट के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस समय ये सोचा गया है कि इस समय का जो TLM है वो आप सभी अपना एक सहयोगी ग्रुप बनाएं, जिसमें कोई टेक्नीशियन भी हो सकता है, कोई इंजीनियर भी हो सकता है, और कोई आर्ट का कोई स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। तो आपको TLM सामग्री अकेले एक टीचर को नहीं बनाना है, एक सामूहिक रूप से अपने सहयोगियों के साथ तैयार करना है, जिसमें बहुत दूसरे शिक्षक भी हो सकते हैं, समुदाय के दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं, और साथ ही आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अब आपको सामग्री कौन सी बनानी है? यह सामग्री होगी कम लागत की, बेकार पड़ी वस्तुओं से, कबाड़ से जुगाड़ करके। इसमें जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इसमें तकनीकी का भी यूज़ होगा, इंजीनियरिंग का भी यूज़ होगा, और कला यानी आर्ट का भी यूज़ है, क्योंकि हम 21st century स्किल्स को यहाँ लाने की इसमें कोशिश की जानी होगी कि 21st century की जो स्किल्स हैं, जिसमें अगली स्लाइड, जिसमें कि आप 5C के सिद्धांत पर काम करते हैं। 5C यानी कनेक्ट करना। कनेक्ट मतलब एक तो ये हमारे डेली जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो वास्तविक जीवन के अनुभव हैं उससे वो परिचय हो, उसका परिचय हो। कंस्ट्रक्ट करना, खुद ही प्रयोग करके, खुद ही प्रयोग सामग्री को बनाकर कुछ करके सीखना। कोलेबरेट करना, समूह में आपस में कार्य करके संगठित रूप में कार्य करने की जो हमारी हमेशा चेष्टा रही है सिखाने की, कि एकता में ही बल है। हम विद्यार्थियों को भी यही मैसेज दे रहे हैं, लगातार हर चीज में हम उनके वैल्यूज हम उनमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ कोलेबरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग, कि वो सूक्ष्म उसका अध्ययन करें और फिर सूक्ष्म उसके ऊपर चिंतन भी करना है कि क्या ये मेरे इस कार्य से मेरे और किसी समाज के या किसी मेरे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहा है। इस तरह की उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी हो। क्रिएटिविटी हो उसमें,
कि जो सामग्री बनी है वो उसकी हमारे जो आज की आवश्यकताएं हैं, जो करंट हमारी जो नीड्स हैं, उसको भी वो पूरा कर सकता हो। तो इस तरह ये 5C का जो सिद्धांत है, अगर इसके ऊपर कोई सामग्री आप बनाते हैं जो 21st century स्किल्स को प्रमोट कर भी कर रही होगी, तो वो इस समय आपसे अपेक्षा की जा रही है। इसके बाद अगर हम TLM का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो क्या TLM हम कौन सा बनाएंगे? ये class 3 से लेकर class 9 के जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर आधारित ये TLM होना चाहिए, जिसमें उसका अन्य विषयों के साथ उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसका इंजीनियरिंग के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसका आर्ट के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसका मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, उसका टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के साथ होना चाहिए। तो TLM ऐसा हो जो हमारे स्टीम एजुकेशन को भी प्रमोट करता हो। तो इस तरह की TLM इंटीग्रेशन की अपेक्षा आपसे की जा रही है। प्रदर्शनी सह मेले की तैयारी के लिए, जैसा मैंने कहा कि आपको विद्यालयीन स्तर पर, जो अगली स्लाइड है जिसमें विद्यालयीन स्तर पर कक्षा 3 से 9 तक के जो पाठ्यक्रम है उसकी अवधारणाओं को आपको या उसके कौशलों को, स्किल्स को आपको लेना है। इसमें 3 विषयों में आपको काम करना है, एक भाषा, एक गणित और एक विज्ञान, क्योंकि 3 से पर्यावरण अध्ययन भी जुड़ता है, तो इसलिए पर्यावरण अध्ययन की भी आप उसमें अवधारणाओं को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिक्षक, अब इसमें जैसा कि आपसे कह रहे हैं कि शिक्षक अपने सहयोगी समूह के साथ अवधारणा का चयन करेगा, विद्यालय स्तर पर वो क्या करेगा? शिक्षक अपने आसपास बेकार पड़ी जो वस्तुएं हैं या जो उपलब्ध संसाधन हैं, उससे उस अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक सामग्री का उपयोग कर सकता है। ऐसे देखिए, कई चीजें होती हैं। हम किसी बच्चे को अगर हम किसी पॉन्ड के पास ले जाएं, तो पूरा इकोसिस्टम हम समझा सकते हैं। उसमें आप जलीय इकोसिस्टम भी समझा सकते हैं, आसपास का पूरा सिस्टम आप समझा सकते हैं, एरियल इकोसिस्टम भी समझा सकते हैं। तो किसी पॉन्ड के पास अगर आप ले जाते हैं और उसको आप दर्शाते हैं इकोसिस्टम को अपने उसमें TLM मेले में, तो वहाँ आर्ट भी यूज हो जाएगा, इंजीनियरिंग भी यूज कर सकते हैं, और इससे बहुत सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से वहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि बेकार पानी को आप, या सड़ा हुआ पानी है या गंदा पानी है, उसको प्योर कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी अवधारणा का एक मेन जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारे सब कॉन्सेप्ट जोड़कर भी आप इसको बता सकते हैं। तो एक पॉन्ड के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो वो भी एक अच्छा TLM सामग्री बन सकती है। इसी तरीके से अगर जनशिक्षा केंद्र पर और विकासखंड स्तर पर होगा तो क्या होगा? क्या प्रत्येक विद्यालय से शिक्षण सामग्री निर्मित हो, ये आशा रखते हैं कि एक विज्ञान, एक गणित और एक भाषा पर एक TLM निर्मित हो। यह TLM जो है ये जनशिक्षा केंद्र पर आएगा और प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र पर उसमें से 3 गणित, 3 हिंदी और 3 विज्ञान के जो हैं प्रोजेक्ट्स या प्रादर्श, उसको प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हैं, प्रादर्श भी कह सकते हैं, मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि TLM सामग्री क्या होनी चाहिए। आज के इस 21st century में केवल हम मॉडल्स की बात नहीं करें, केवल हम कार्ड्स की बात नहीं करें, हम फ्लिप बुक की बात करें, हम एक पिक्चर टू पिक्चर वीडियो की बात करें, कहीं पर हम किसी एक ऑडियो की बात कर सकते हैं कि इस तरह का ऑडियो हम पीछे से देख कर कुछ उसमें बना सकते हैं, कुछ टॉयज की बात करें जो NCERT प्रमोट कर रहा है कि आप टॉयज के जरिए TLM सामग्री को प्रमोट करें, तो टॉयज भी आप बना सकते हैं बच्चों के, और इस तरह से आप TLM सामग्री निर्मित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जब 3 विषयों में विज्ञान, गणित और हिंदी में जब आपने TLM बनाए हैं, तो ये TLM जब जनशिक्षा केंद्र पर आएंगे तो आपको उसको 1st, 2nd and 3rd कैटेगरी देते हुए सेलेक्ट करना है। इस तरह से कुल आपको प्रत्येक विषय में 3 यानी कुल 9 आपको उसको प्रदर्शों को सेलेक्ट करके आपके ब्लॉक पर भेजना है। ब्लॉक पर जो है ये ब्लॉक से क्या होगा, ये 9 जो प्रदर्श हैं ये डाइट पर जाएंगे, और इस तरह से अगर आपके 9 ब्लॉक है तो आपके 9x9 जो है वो जिले स्तर पर डाइट पर भेजे जाएंगे। डाइट पर
आपके प्रत्येक जिले से जो चयनित 9 प्रादर्श हैं वो संभाग स्तर पर पीजीवीटी टीटी या एसआईएससी को भेजा जाएगा। ये आपको इस तरह की प्लानिंग आपको अपने स्तर से करनी है कि आप अपने संभाग में कौन से संस्था को चयनित करते हैं। प्रत्येक लेवल पर एक हमारा निर्णायक समूह होगा, निर्णायक मंडल होगा, निर्णायक समिति होगी जो इन प्रादर्शों को चयन कर सकेगी। इसमें से संभाग पर आपको इस तरह से 12-12 प्रादर्श हिंदी गणित और विज्ञान में चयनित होंगे, और इस तरह से यदि कुल 10 संभाग हैं तो 360 प्रादर्श चयनित होकर राज्य स्तर पर आएंगे, और ये राज्य स्तर पर इसको एक प्रदर्शनी का स्वरूप यहाँ दिया जाएगा जिसकी आपको जो है वो की जाएगी। अब टीएलएम चयन का आधार क्या होगा, टीएलएम चयन करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए कि सुलभता, उसकी अवेलेबिलिटी, यानी जो सामग्री वहाँ पे यूज की जा रही है उसको तैयार करने में वो आसानी से सब जगह उपलब्ध हो, क्योंकि ऐसा आपसे आशा की जाती है कि जिस तरह का टीएलएम आप बनाएंगे वो सारे टीचर्स के लिए एक रोल मॉडल होगा, और अगर वो सामग्री वहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मुश्किल होगी। तो वो जितनी सुलभ सामग्री के रूप में वो बनेगा उतना ही टीएलएम का सिलेक्शन करने का आधार बनेगा। दूसरा, क्लैरिटी, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं या अवधारणाएं हैं या हमारे स्किल्स हैं उसको कितनी सटीकता से वो टीएलएम स्पष्ट करता है। तीसरा है सृजनात्मकता, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, कुछ नयापन आपने दिया है या वो पुराने तरीकों को अपना के आपने पॉकेट बोर्ड बना दिया है, पॉकेट्स कार्ड बना दिए, कुछ नयापन आपने दिया है, कुछ क्रिएटिविटी दी है, तो आपका तो टीएलएम का चयन ठीक से हो पाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म ये है कि बच्चे भी उसको खुद करें और आपने भी उसको खुद किया हो, कहीं बाजार से ये क्रय नहीं किया गया है, इसको आपने अपने स्वचिंतन से, अपने माइंड से, अपने क्रिटिकल थॉट से उसको बनाया है, तो वो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसमें चयन का आधार बनेगा। दूसरा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ये प्रमोट करता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी उसमें कुछ करने की, कुछ करके सीखने की अगर उसमें कुछ है टीएलएम में तो वो आपके चयन के पॉइंट्स बनेंगे, सिलेक्शन पॉइंट्स का आधार बनेगा। इसी तरह से यदि उसमें इंजीनियरिंग, तकनीकी और कला का भी उपयोग हुआ है तो वो फिर एक वंडरफुल टीएलएम के रूप में सामने आ सकता है, और वो 21st सेंचुरी स्किल्स को भी वहाँ सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद अगला जो है टीएलएम प्रादर्श का स्वरूप कैसे होगा, जिस तरह से यहाँ आपको संलग्न भी किया गया है लेटर्स के साथ, सिंपल है क्योंकि आप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर टीएलएम बना रहे हैं, तो इसका एक फोटो सहयोगियों को भी दीजिए कि कौन कौन सहयोगी रहे, हो सकता है आपके साथ कोई शिक्षक साथी रहे, आपके साथ कोई समुदाय के बहुत दूसरे व्यक्ति रहे, या कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा के रहे हों, तो उसका एक फोटो नीचे दीजिए। और उसके बाद जो है अंतिम जो है कि टीएलएम प्रादर्श का प्रारूप क्या होगा, तो प्रारूप भी यही है कि आप अपने उसको, आप जो स्टेट लेवल पर आएगा वो तो आपको पूरा लाइव आपको दिखाना होगा जो स्टेट लेवल पर आएगा, लेकिन यहाँ पर उसके जब आप प्रारूप में दे रहे हैं तो उसके 2 फोटो कम से कम दीजिए जो अलग अलग एंगल से खींचे हुए होंगे, और उसका लिखने का प्रारूप इस तरह से होगा कि सबसे पहले विषय क्या है, कौन से कक्षा ग्रेड के लिए है, टीएलएम किस तरह का है, कोई स्टैटिक टीएलएम है या कोई ऑडियो है, वीडियो है, फ्लिप बुक है, क्या है, टीएलएम का रखरखाव कैसे होगा, क्या उसको हम दीवार पर रख सकते हैं, कहीं टेबल पर रख सकते हैं, कहीं सीडी में आप दिखा सकते हैं, और उसके बाद टीएलएम तैयार करने का विवरण, उसमें कौन सी अवधारणा आपने ली थी या कौन सा कौशल, अगर क्योंकि भाषा है तो आप कौशल लेंगे, अवधारणाएँ हैं तो आप दूसरे विषय ले सकते हैं, सोशल साइंस, साइंस, ईवीएस एंड मैथ्स, कौशल है तो भाषा के सारे विषय कौशल में आएंगे, तो कौन सा कौशल आपने लिया है, और टीएलएम सामग्री का विकास की संक्षिप्त आपको विवरण देना पड़ेगा, इसकी कार्य विधि आपको यहाँ देनी है, और उस टीएलएम से कौन से लर्निंग आउटकम्स आप बच्चों को सिखा पा रहे हैं, कौन से लर्निंग आउटकम उस टीएलएम से बच्चा जो है वो सीख पा रहा है, तो ये भी आप उसमें उल्लेखित करेंगे। और इस तरीके से एक संक्षिप्त मैंने आपको
प्रदर्शनी मेले के बारे में जो विवरण है वो मैंने आपको दिया है। इसमें सिलेक्शन का आधार क्या होगा, बाकी मेरे मैथ्स के साथी और हिंदी के साथियों ने, साइंस के साथियों ने आपको कुछ उदाहरण पर दिए हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ और क्रिएटिविटी आप दिखाएंगे, 21st century स्किल्स को उसमें लाएंगे, जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, कोलेबोरेशन और इसके साथ ही क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें अगर उसमें दिखाई देती हैं तो वो TLM हम सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। इसके साथ ही मैं आंसर को अपना वो देती हूँ। धन्यवाद मीता मैडम, आपने बहुत विस्तार में सारी चीज़ें बता दी और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीता मैडम हमारा TLM का पूरा स्टेट का कार्यभार देख रही कि किस तरीके से कौन विषयों में क्या जाएगा। अब मैं आदरणीय गणायक जी को भी आमंत्रित करता हूँ और उसके पहले मैं प्रबंधन से संबंधित क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है, मैं आपको संक्षेप में बताऊँगा। साथियों, शाला स्तर पर 4 मार्च को हमारा TLM का प्रदर्शन होगा, जिसमें शाला स्तर पर जो भी चयन समिति आपको बनानी, जैसा कि मीता मैडम और बाकी लोगों ने कहा, चयन समिति का गठन पहले कर लें, पहले करने के बाद फिर वो किसी तरीके से उसका चयन के लिए, क्योंकि जब तक तैयारी नहीं हुई पूर्व तैयारी आवश्यक है। TLM का विवरण हिंदी, गणित, विज्ञान आपको बताया, पर्यावरण मैडम ने भी उसमें जोड़ दिया साथियों, लेकिन विद्यालय स्तर पर मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर इसके इसमें अगर एक विद्यालय एक भी TLM के लिए अगर सहभागिता करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 TLM के लिए हो सकता है शिक्षक के पास और हमारे स्टाफ और बाकी चीज़ें सुविधाएं नहीं हो, तो आप 1 से 3 तक के TLM आप लोग निर्माण कर सकते हैं, लेकिन विषय एक ही रहेगा, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी। सहभागिता जो है वो SMC सदस्य, शिक्षक तथा स्थानीय समुदाय और बच्चे रहेंगे जो स्थानीय स्तर पर, शाला स्तर पर उस प्रदर्शनी को देखने आएंगे और चयन समिति उनका चयन करेगी। इसमें प्रधानाध्यापक महोदय को जो व्यवस्थाएं करनी है, शिक्षकों को TLM सामग्री तैयार करने हेतु आवश्यक सामग्री अगर उनको बाजार से लेनी है, क्योंकि इसमें सीधे के सीधे मॉडल खरीदने का प्रोविजन नहीं है, आप सहयोगी सामग्री, आवश्यक सामग्री अगर जो लगती है वो उसको खरीदेंगे। इसके साथ ही टेबल, कुर्सी, पेयजल, चाय, नाश्ते की व्यवस्था हमारे प्रधानाध्यापक को विद्यालय स्तर पर करनी होगी। इसके लिए हमारा बजट का प्रावधान अधिकतम 1500 रुपये प्रावधानित किया गया है और ये राशि आपको जो स्कूल ग्रांट है उस राशि से अभी क्रय कर व्यय कर लेंगे और जैसे ही व्यय होती है उसके हिसाब से आपको BRC से ये राशि उपलब्ध हो जाएगी। इसमें जो जिम्मेदारी है वो प्रधानाध्यापक के साथ साथ पूरे शिक्षकों की, SMC अध्यक्ष और जो TNM बनाने वाले शिक्षक का नामांकन जो जन शिक्षा केंद्र से TLM मेले में 7 मार्च को उपस्थित होंगे, उनका नामांकन और जन शिक्षा केंद्र से उनको वार्तालाप करना पड़ेगा कि किस स्थान पर कहाँ पर ये जो चयनित हमारे 1-2-3 जो विषय के लोग होंगे वो जाएंगे। इसमें एक विषय का एक चयनित हमारा विद्यालय स्तर से जाएगा, नोडल अधिकारी इसके जो होंगे हमारे प्रधानाध्यापक महोदय होंगे। साथियों, अब जन शिक्षा केंद्र पर 7 मार्च को होना है, इसका जो संचालन होगा प्रारंभ होगा 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इसमें वही के अब विद्यालय स्तर से आए हुए आपके जन शिक्षा केंद्र में लगभग 20 से 25 विद्यालय होंगे, तो विभिन्न विषयों के विभिन्न शिक्षक हमारे साथी लेकर आएंगे, तो उनमें से तीन हिंदी, 3 गणित और 3 विज्ञान विषय का आप लोगों को चयन करके और जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो समिति है उसका आपको निर्धारण पहले से करना होगा। जन शिक्षक महोदय हमारे इस चीज़ को सुन लें और जो जन शिक्षा केंद्र प्रभारी हैं कि आपको भी सवारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी। सहभागिता जो है वो जन शिक्षा केंद्र स्तर के सभी विद्यालय के चिन्हांकित शिक्षक उनको अभी आमंत्रित करिएगा, स्थानीय जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो विद्यालय हैं उनके बच्चों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। व्यवस्थाएं जो है जो जन शिक्षा केंद्र प्रभारी और जन शिक्षक महोदय द्वारा प्रतियोगिता में शामिल होने वाले शिक्षकों को TLM सामग्री अब वहां पर जो तैयारी करनी है उन्हें उसकी भी व्यवस्था उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। टेबल, कुर्सी, पेयजल, चाय, नाश्ता, भोजन एवं विषयवार
प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वाले शिक्षकों का नामांकन चिन्हांकन एवं सहभागिता करने वाले समस्त शिक्षकों को प्रशंसा पत्र भी देंगे। जो चयनित होंगे 1, 2, 3 उनको तो देना ही है, लेकिन जो बाकी हमारे शिक्षक साथी आए हैं और प्रतियोगी और 1, 2, 3 नहीं आ पाए, लेकिन उनको प्रशंसा पत्र आपको देना है मुद्रित करवा कर। और साथ ही आपको एक TLM कोने का भी निर्माण करना है जहाँ पर आपका TLM प्रदर्शित होंगे, यही विद्यालय स्तर पर भी होगा। सत्यो इसके लिए जनशिक्षा केंद्र स्तर के लिए अधिकतम बजट सीमा 15,000 रुपये है, यह बहुत ज़्यादा राशि है। तो इसमें पर्याप्त रूप से अच्छे से समारोह पूर्वक आयोजन करें TLM मेले का, जिसमें लगे कि हाँ शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान और जितने भी समुदाय के लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी को आमंत्रित करिए, जिसमें सरपंच वगैरह हैं, बाकी चीज़ें हैं। जिम्मेदारी जो है जो जनशिक्षा केंद्र प्रभारी और जनशिक्षक की है, और प्रधानाध्यापक है समस्त जनशिक्षक, एक जनशिक्षक का नामांकन करेंगे आप लोग जनशिक्षा केंद्र से, जो चयनित शिक्षकों को लेकर विकासखंड स्तर पर जाएगा वो नोडल अधिकारी के रूप में होगा। ये 11 मार्च को मेला हमारा विकासखंड स्तर पर आयोजित होगा। उनका परिवहन वाहन और आने जाने में भोजन चाय नाश्ता इत्यादि की व्यवस्था सारा कुछ जनशिक्षा केंद्र प्रभारी को उपलब्ध राशि, ये जो 15,000 रुपये का प्रावधान है इससे करनी पड़ेगी। नोडल अधिकारी जो हैं, जो जनशिक्षा केंद्र प्रभारी है, उनके द्वारा किसी एक जनशिक्षक को नामांकित करेंगे जो इन सारे लोगों को लेके जाएंगे। अगला जो है विकासखंड स्तर पर है 11 मार्च को, वो 10:30 से 4:30 का टाइमिंग है, लेकिन आप लोग स्थानीय स्तर पर इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले विकासखंड स्तर में हमारे BRC महोदय सुन रहे होंगे, उनसे अनुरोध होगा कि निर्देशानुसार जो अभी हमारे मीता मैडम और पारिक जी और बाकी साथियों ने बताया कि चयन समिति का गठन सबसे अनिवार्य है, पहले वो 2 दिवस पूर्व आपको कर लेना चाहिए। किस स्तर के लोग होंगे ये भी आपको बता दिया गया है। आमंत्रण में प्रतिभागियों के अतिरिक्त आसपास के सभी विद्यालयों के शिक्षक एवं स्थानीय शालाओं के बच्चे, SMC सदस्य एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करना है। यह विकासखंड स्तर का कार्यक्रम होगा, काफ़ी बृहद रूप से इसका आयोजन करें। व्यवस्थाएं जो है BRC और BSC द्वारा शिक्षकों को TLM सामग्री में अगर कोई टूट फूट हो गई है, कोई आवश्यकता है, कोई चीज़ उनको एडिशन करना है, उसके लिए भी वो सामग्री के लिए उपलब्ध कराएंगे। और चाय नाश्ता भोजन एवं आवास की भी व्यवस्था हो सकता है, कुछ विद्यालय काफ़ी दूर के हों तो उनको 1 दिवस पूर्व सायंकाल आप आमंत्रित करेंगे, उनके भोजन आवास की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बजट का प्रावधान जो विकासखंड के लिए वो 30,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, यह आपको उपलब्ध राशि में से व्यय करना है, और जैसे ही राशि आपको प्राप्त होती है उसका समायोजन आप लोग कर लेंगे। जिम्मेदार व्यक्ति जो है विकासखंड के लिए विकासखंड शोध समन्वयक DO साहब एवं समस्त प्रधानाध्यापक जनशिक्षक एक इस तरीके से, और एक भी और जितने भी BSc सारे लोग उसमें सहभागिता करेंगे और व्यवस्थाओं में सुनिश्चित रहेंगे। साथ ही एक BSc का नामांकन एज ए नोडल अधिकारी के रूप में BRC द्वारा किया जाएगा, जो चयनित शिक्षकों को लेकर BRC जिले स्तर पर लेके जाएंगे। जिले स्तर पर TLM मेले का आयोजन 14 मार्च को आयोजित है, तो वो उनको लेके जाएगा। इन शिक्षकों का भोजन आना जाना रहना परिवहन वाहन की सुविधा, चूँकि शिक्षक ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब से आपको वाहन की सुविधा भी सुनिश्चित कर सकते हैं, तो या परिवहन सुविधाएं हैं तो उनमें लेके, लेकिन नोडल अधिकारी जो है वो अपने साथ में उनको जिले स्तर पर लेके जाएगा, और इसके लिए सतत संपर्क में जिले स्तर से आपको रहना पड़ेगा BRC महोदय को। और ब्लॉक स्तर पर भी आपको एक TLM कोना आयोजित करना हो, वहाँ स्थापित करना होगा, जिससे कि जो चयनित या गैर चयनित हमारे TLMs हैं उनको अगर यदि विद्यालय यदि BRC में रखना है तो उसके लिए एक बेहतर कोना आपको डिस्प्ले के हिसाब से रखना होगा। इनके विद्यालयों के जो आने और जाने वाले जो नहीं सेलेक्ट हुए उनको भी प्रशंसा पत्र, और जो सेलेक्ट हुए उनको तो है ही, साथ ही उनको वापस विद्यालय तक भेजने की व्यवस्था हमारे BRC की हर स्तर पर। अगर जनशिक्षा केंद्र पर जो शिक्षक आए हुए हैं उनका आना और जाने की व्यवस्था जनशिक्षा केंद्र प्रभारी सुनिश्चित करेंगे। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जो चयनित हुए हैं, जो ब्लॉक में आए हैं, उनको ब्लॉक में जो आने और जाने और वापस घर तक भेजने की जिम्मेदारी इसी प्रावधानित बजट में से उनको करनी होगी। इसके बाद अब हमारा आता है जिला स्तर में DPC महोदय और प्राचार्य डाइट महोदय का इसमें संज्ञान जरूर चाहूँगा।
कि सबसे पहले चयन समिति का आपको चिन्हांकन निश्चित रूप से समय से पहले कर लेना है। यहाँ पर टीएलएम का भ्रमण 3 NG, 3 गणित, 3 विज्ञान जैसा कि अभी मिश्रा मैडम ने बता रही थी उस हिसाब से करना है। और जो सहभागिता होगी विकास खंड स्तर से प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विषयवार हमारे शिक्षक साथी होंगे जिनको वो सहभागिता करेंगे। आमंत्रण में जिला कलेक्टर, सीओ, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को एक बृहद कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से विद्यालयों के सभी शिक्षक जो स्थानीय मुख्यालय लेवल के विद्यालय हैं उनके बच्चों को और शिक्षकों को आपको आमंत्रित करना होगा। व्यवस्थाएं जो है वो प्राचार्य डाई, DPC, बाकी उनका पूरा अमला शिक्षक द्वारा TLM सामग्री जो तैयार करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं जो है वो वहां पर पुनः सुनिश्चित करनी पड़ेंगी। टेबल, कुर्सी, पंडाल, पेयजल, चाय, नाश्ता, भोजन एवं आवास की भी व्यवस्था जिला मुख्यालय पर एक दिवस पूर्व हमारे ब्लॉक के लोगों को आपको बुलाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी विकासखंड काफ़ी दूर होते हैं मुख्यालय से, इसलिए समय से पूर्व उनको बुलाना होगा। साथियों, जिले स्तर पर बजट के लिए 75,000 रुपये का प्रावधान है अधिकतम सीमा, या वो उपलब्ध राशि से व्यय करेंगे, इसके निर्देश आपको प्राप्त हो गए। जिम्मेदारी में प्राचार्य डाइट और DPC और ट्रेनिंग इंचार्ज APC जो भी, और संभागीय स्तर मेले में 22 मार्च को जो जाने वाले हैं उसके लिए एक नोडल अधिकारी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग इंचार्ज हो या APC हो, ये जिला द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जो संभाग से सतत संपर्क में रहेगा कि किस कहाँ पर पहुँचना है, किस स्थान पर पहुँचना है, और इस मेले में जाने के लिए जितने भी चयनित हुए हैं हमारे 1, 2, 3 के विषयवार शिक्षक साथी उनको ले जाने की सुविधा, संपूर्ण व्यवस्था वाहन के जरिए या परिवहन की सुविधा के हिसाब से लेके जाना, एक दिवस पूर्व सायंकाल वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। आप संभागीय स्तर पर डाई, DPC और जो TTO ISC के प्राचार्य हैं उनसे सतत संपर्क में रहेंगे आप लोग। TTO प्राचार्य और उनके स्टाफ के द्वारा ये संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसमें जो नोडल अधिकारी मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर भी TLM कोने का एक स्थान आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जितने टीचर आएंगे सभी को प्रशंसा पत्र और प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है और वापस उनको घर तक भेजने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा केंद्र की होगी। अब संभाग स्तर पर हमारे TTO प्राचार्य और जो मुख्यालय की डाइट हैं, DPC हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसका आयोजन 22 मार्च को होगा, कोई 10:30 से 4:30 तक का समय रखा है, समय का निर्धारण आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चयन समिति का गठन सबसे पहले करना होगा, जैसे ही जिले स्तर पर किया गया ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा और TLM का विवरण जो हिंदी, गणित और विज्ञान विषय के जो संख्या में आपके विकास खंड के आने जिलेवार आएगा, संख्या उनकी ज़्यादा है, एक दिवस पूर्व सायंकाल आपको उनके आवास आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी, भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी, अगर कोई ऑडिटोरियम है या कोई हॉल है तो उसमें अथवा पंडाल लगा के आपको ये सारी एक बेहतर व्यवस्था करनी होगी, जिसमें टेबल, कुर्सी, पेयजल, चाय, नाश्ता, भोजन, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे प्राचार्य जी को और DPC और प्राचार्य स्थानीय प्राचार्य डाइट के सहयोग से करनी होगी। साथियों, इसमें संभाग स्तर के कार्यक्रम के आयोजन के लिए 3 लाख रुपए की राशि प्रावधानित की गई है, तो राशि बहुत पर्याप्त है, आप लोग बेहतर व्यवस्था करें, लगना चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों को आयोजन हो। साथियों, इसमें जो आमंत्रण है आप संभागीय स्तर पर कमिश्नर महोदय, जिला कलेक्टर, CO, ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे, जिला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय जो संभागीय मुख्यालय के जो भी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों के शिक्षकों को और बच्चों को भी इसके TLM मेले के आयोजन के उनको अवलोकन के लिए आप लोग आमंत्रित कर सकते हैं। नोडल अधिकारी जो होगा इसकी जिम्मेदारी हमारे प्राचार्य CTO ISC की होगी, CTO फैकल्टी सदस्य अथवा स्थानीय डाइट के ट्रेनिंग इंचार्ज या जिसको भी संभाग स्तर पर चाहे एक नोडल अधिकारी आपको नियुक्त करना होगा, जो चयनित हुए हमारे शिक्षकों को राज्य स्तरीय मेले में, अभी राज्य स्तरीय मेले का तिथि निर्धारित नहीं हुआ है, संभाग स्तर के आयोजन के पहले तक हम आपको सूचित कर देंगे कि कौन सा स्थल होगा, किस दिनांक में होगा और कहां पर होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको सूचित कर देंगे। CTO फैकल्टी, स्थानीय प्रतिनिधि प्राप्त होने से अब इनका जो संभाग लेवल पे जो टीचर आएंगे उनको भी वापस भेजने की, जो नोडल अधिकारी लेके आएगा उनके माध्यम से समस्त व्यवस्थाएं अब संभाग स्तर के हमारे प्राचार्य जी को करनी होगी,
कि हमारा शिक्षक विद्यालय स्तर पर स्तर तक विधिवत जो उनका गृह आवास है, गृह नगर है, वहाँ तक वो पहुँच जाए सुविधा पूर्वक, उनके आने जाने का जाते टाइम भोजन एवं परिवहन की सुविधा, समस्त सुविधाएं सुनिश्चित हमारे प्राचार्य जी और उनके दल को करना होगा। साथियों, ये संभाग स्तर तक का मुद्दा था। इसमें कुछ चीज मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो अशासकीय संस्थाएं हैं, संचालक महोदय ने उनको भी इसके लिए अधिकृत किया है कि वो लोग संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय आयोजनों में सहयोग करेंगे। सागर के लिए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, भोपाल के लिए द एजुकेशन अलायंस संस्था है, रीवा जिले के लिए अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन डेवलपमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, ग्वालियर चंबल के लिए SRF फाउंडेशन और एजुकेशन इनिशिएटिव माइंड स्पार्क संस्था है, इंदौर डिवीजन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, उज्जैन के लिए हुमना पीपल टू पीपल इंडिया है, शहडोल के लिए एजुकेट गर्ल्स हैं, और जबलपुर के लिए एनर्जी फायर संस्था है, होशंगाबाद और नर्मदापुरम के लिए एकलव्य संस्था है। इसके अतिरिक्त साथियों, आप लोगों को पता होगा कि अरविंदो सोसाइटी के द्वारा यीशु ने नवाचार के तहत विभिन्न TLM मेलों का आयोजन विभिन्न एक दो वर्षों से किया जा रहा है, अभी कोविड काल को छोड़ दे तो उनको संभागीय स्तरीय जो आयोजन होंगे उसमें वो संभाग स्तर पर हमारे प्राचार्य CTISE को आवश्यक सहयोग के लिए, मार्गदर्शन के लिए ये भी प्रत्येक संभाग में उपस्थित रहेंगे। ये कुल मिला के एक प्रबंधन संबंधी ये मैं PPT भी आपको मेल कर दूंगा, भेज दूंगा, जिससे कि सारे लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। साथियों, किसी का कोई, क्योंकि बस समय समाप्ति की ओर है, तो ये अगर किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो दूरभाष पर चर्चा कर सकते हैं। कार्यक्रम का समापन के अवसर पर मैं आदरणीय अतुल डनायक, जो हमारे टीचर एजुकेशन सेल के कंट्रोलर और इस कार्यक्रम के सहयोगी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे वरिष्ठ प्रभारी हैं, अनुरोध करूंगा कि हमारे सभी साथियों का आभार और आवश्यक मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद खान साहब। साथियों नमस्कार। काफ़ी समय से आप लोग सुन रहे हैं तो इसमें अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अकादमिक टीम के द्वारा भी बहुत विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया है। मुझे बस दो बातें याद आती हैं कि अभी निष्ठा ट्रेनिंग Phase 1, Phase 2, Phase 3 हमारे सब शिक्षक साथियों ने किया है और उसको कक्षाओं में क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी की है। तो कक्षाओं में क्रियान्वयन इसी तरह से हो रहा था कि कुछ ना कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया जाए और उसका उपयोग करते हुए बच्चों को जो निष्ठा ट्रेनिंग में सीखा है वो बच्चों तक पहुँचाया जाए। तो ये अनुभव हमारे शिक्षक साथियों के साथ है और YouTube लाइव के माध्यम से जब भी शैक्षिक संवाद आयोजित हुए हैं तो वो सफलता की कहानियां भी हमने देखी हैं, आप सब ने देखी हैं। उसी एनर्जी को इस TLM मेले में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत आसानी से एक अच्छा सफल अकादमिक आयोजन हो पाएगा। अभी जब अकादमिक सदस्यों को मैं सुन रहा था तो उन्होंने इस टीम की भी बात कही है, आसपास की खोज हम लोग पहले करते रहे हैं, उसी से बातें निकल कर आती हैं। और एक शिक्षाविद ने बहुत अच्छी बात कही थी TLM को लेकर, वो जरूर मैं कोट करना चाहूँगा कि वास्तव में शिक्षण सहायक सामग्री मस्तिष्क में होती है। आप बच्चे के साथ संवाद कर रहे हैं और संवाद करते करते कोई आइडिया निकल कर आया और सामने जो वस्तु दिखाई दे रही है उससे किस तरह से आपने TLM के रूप में उपयोग कर लिया, ये हमारे शिक्षक साथियों को समझ होना चाहिए और है भी। इस तरह की बातों को ध्यान में रखकर ही यदि आप इस TLM मेले के लिए शिक्षकों को प्रेरित करेंगे और उसका आयोजन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो आयोजनकर्ता हैं और जो निर्णायक मंडल होंगे उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट को असेस करने की दृष्टि से यदि देखें तो सिंपल 4 C's याद रखें तो बड़ी आसानी से आप जजमेंट कर सकते हैं कि कोई भी TLM का जो प्रोजेक्ट टीचर ने सबमिट किया है उसमें 4 C's में आप क्या देखेंगे, कॉस्ट देखें, कॉन्सेप्ट देखें, करिकुलम देखें और कॉन्टेक्स्ट देखें। कॉस्ट का मतलब है कि वो मेले TLM बनाने में कितनी राशि व्यय करना पड़ी, उसको सामग्री क्रय की या स्थानीय जीरो वेस्ट मटेरियल से ही कोई ना कोई सामग्री उसने बना दी, उसके लिए वैल्यू कर लीजिए। कॉन्सेप्ट जो जिस क्लास स्तर के लिए बनाया गया है उसका पाठ्यक्रम उसको देख लीजिए कि पाठ्यक्रम से मैच होता है कि नहीं, और कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि उस पाठ्यक्रम से रिलेटेड किस कॉन्सेप्ट को ये TLM सपोर्ट करने जा रहा है और उसका संदर्भ क्या है। तो यदि आप इन 4 बातों को ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से आप इसको असेस भी कर सकेंगे, जस्टिफाई भी कर सकेंगे। खान साहब ने बहुत विस्तार से इसकी प्रक्रियागत चीज़ें बताई हैं, NGO का सपोर्ट बताया है, ये NGO पार्टनर बहुत एक्सपर्ट के रूप में हमारे राज्य में सहयोग करते रहे हैं, आप लोगों ने भी जिलों में इनका सहयोग लिया है,
तो ये आपके लिए एक सपोर्टिंग हैंड है, तो एक बेहतर आयोजन आप लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप सभी ने सहभागिता की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।